वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रोडक्ट जो कि है रिविटल लिफ्ट लॉरियल पेरिस का माइक्रो एसेंस वाटर। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो है सैलिसिलिक एसिड इसमें मेन इंग्रेडिएंट है और ये आपकी स्किन को रेडियंस प्लस स्मूदनिंग देता है। कैसे हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देखेंगे। पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि ऊपर का कैप है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छा है और एक बहुत ही अच्छा रॉयल लुक है इसका। और नीचे का जो है ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ये आता है। फ्रेंड्स, इसके तीन वेरिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी भी वेबसाइट पर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तीन वेरिएंट्स में, यानी ये ml के हिसाब से है, आपको जितने क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से इसको मंगा सकते हैं। तो ये मैंने 22 ml का ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। 22 ml का करीब मुझे 200 rupees का मुझे ये मिला है। तो आप इससे बड़ा साइज़ भी आप मंगा सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप छोटा वाला ही पहले ही ट्राई करें और अगर आप उससे सेटिस्फाई हों और ये आपको अच्छा रिजल्ट दे तभी आप इसे बड़ा साइज़ ऑर्डर करें। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसमें जो है मेन इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है। साथ साथ ये आपकी स्किन की गहराई से गहराई वाले लेयर बाय लेयर 10 layer अंदर जाकर स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। जैसे कि कोई पिंपल प्रॉब्लम हो या कोई आपके डार्क पैचेस हो, अंडर आई में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो या कुछ भी रेडनेस हो फेस पे या किसी भी तरह की एलर्जी हो, तो उस तरह की ये प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करता है। इसका काम क्या होता है, आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करना और जो आपका इनर ग्लो है या नेचुरल ग्लो है उसको आपके सामने रखता है। यानी कि आपकी स्किन को एक शेड, दो शेड, तीन शेड इस तरह से ये ज़्यादा क्लियर कर सकता है और ये आपके फेस पर ग्लो लाता है। सैलिसिलिक एसिड का काम यही होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स प्रोडक्ट। करना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। इसको आपको क्या करना है, इसमें दिया है जिस तरह से कैसे यूज़ करना है, यूज़ का डायरेक्शन ऑफ यूज़। तो आपको 3 से 4 बूंदें इसकी आपको अपने पाम पर लेना है और सर्कुलर वे में इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। 2 बार इसे यूज़ करना है। एक तो आप मॉर्निंग टाइम में जब सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं या नहाने के बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले एज अ नाइट क्रीम, जैसे आप नाइट क्रीम लगाते हैं उसकी जगह आप इसको यूज़ कर लीजिए। 3 से 4 बूंदें वही इस तरह से पूरे फेस पे आपको लगाना लेना है। 3 से 4 बूंदें इज इनफ। ये आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है, पूरी तरह से फैल जाता है और ये रात भर काम करता रहेगा अपना, और ये आपकी स्किन की 10 layer अंदर तक उसको ट्रीट करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। मैंने इसे यूज़ कर लिया है, देखिए इतना यूज़ किया है तब मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे स्किन पे पिंपल्स के स्पॉट थे, रेडनेस थी, तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है और स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो मैं इससे तो सेटिस्फाइड हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पिंपल प्रॉब्लम है या फेस पे कोई स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स में ये काफ़ी हेल्प करेगा और ये स्किन शेड को भी इम्प्रूव करता है, स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा स्किन बहुत ज़्यादा, तो वैसा तो नहीं होगा शायद, क्योंकि देखिए मैंने इसे यूज़ काफ़ी कर लिया है तभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यह आपको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सच में आप इसको ट्राई करके देखिए और आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स एक और सावधानी रखना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड जो मैंने बताया इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है तो वो सबको सूट नहीं होता है। हर
बहुत सारी स्किन टाइप्स होती हैं, तो हर स्किन टाइप के लिए सूट नहीं होता है सैलिसिलिक एसिड। तो उसको आप क्या करिए, आपकी स्किन के छोटे से पोर्शन पर ट्राई करके देख लीजिए, अगर ये आपको सूट होता है तो आप इसे कंटिन्यू करिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए बीच में। और बहुत अच्छा होगा अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, सही रहेगा। और एक और मैं सजेशन आपको देना चाहूँगी, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है और आप अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं, तो आप ऐसे फेस वॉश या क्रीम को यूज़ करिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, सल्फेट फ्री हो, लेकिन सैलिसिलिक एसिड अच्छा होता है स्किन के लिए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो सैलिसिलिक एसिड, तो आप इसे नो डाउट आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई डर नहीं है। तो मैं इसको अगर रेट करना चाहूँ रिज़ल्ट के हिसाब से तो आई विल गिव इट 4.5। तो आई होप कि मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा जानकर के इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको और भी कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने का पूरा पूरा ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।